हेलो फ्रेंड्स, एबीएफएम का मॉड्यूल डी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूल डी में आपका यूनिट 19 से लेके 25, तो टोटल यहाँ पे हमारा 7 यूनिट्स हमें कवर करना होगा मॉड्यूल डी में। ठीक है, तो ये 7 चैप्टर्स के साथ आपका मॉड्यूल डी कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो मॉड्यूल डी है, अभी आपका जो एग्ज़ाम था आपका ये जून 2023 में, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके मॉड्यूल डी में से पूछे गए थे। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम के लिए। इस वाले मॉड्यूल में से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाएंगे। तो ये 7 जो चैप्टर्स है ना, इनको आपके एग्जाम में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मॉड्यूल डी हम आज शुरू करेंगे, उसका यूनिट 19 की शुरुआत करेंगे। यूनिट 19 का नाम है हमारा हाइब्रिड फाइनेंस। हाइब्रिड फाइनेंस का मतलब क्या होता है? जैसे कुछ फसलें होती है ना, हाइब्रिड कोई भी चीज़ है, कोई फसल जो हाइब्रिड है, ठीक है, तो वैसे ही फाइनेंस भी हाइब्रिड होता है। तो हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर, मिलावट। ठीक है, इसका मतलब है मिक्सचर या फिर कोई मिलावट। तो मिलावट कैसे कर सकते हैं फाइनेंस में? जनरली फाइनेंस में दो तरीके इस्तेमाल होते हैं, एक है हमारा इक्विटी और दूसरा है हमारा डेब्ट। इक्विटी मतलब आप कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं बोरोवर को और बोल रहे हैं कि हमें पैसा दो, शेयर लो पैसा दो। डेब्ट में क्या हो रहा है कि डेब्ट ये एक तरीके का आप बांध सकते हैं, बॉन्ड है, या आप बोल सकते हैं डिबेंचर है। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका इंटरेस्ट रेट पहले से फिक्स होगा। तो अगर आपने कंपनी का एक बॉन्ड खरीदा या डेब्ट डिबेंचर खरीदा, तो आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स है। जैसे मान लीजिए 10% बोल दिया, अब कंपनी चाहे बहुत अच्छा परफॉर्म करे या डूब जाए, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका 10% फिक्स आपको उतना ही मिलेगा। बट अगर आप कंपनी के इक्विटी आप होल्डर हैं, आपने शेयर लिए हैं, तो अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपके शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर आपकी कंपनी जो है खराब परफॉर्म करेगी, सो आपके शेयर की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा। तो शेयर होल्डर, अगर आपने 1% कंपनी के शेयर लिए हैं, तो आप 1% कंपनी के क्या बन गए, मालिक बन गए। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है शेयर और डेब्ट में। अगर हम दोनों को मिला दे, कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दे जिसमें इक्विटी के भी फीचर्स हो, यानी शेयर्स के भी, प्लस डेब्ट यानी बॉन्ड के भी फीचर्स हो, तो उसी को बोला जाएगा हाइब्रिड फाइनेंस। तो इसमें दोनों टाइप के फीचर्स ऐड करके जो है प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो चैप्टर में बहुत सारा टॉपिक हम लोग देखेंगे कि हाइब्रिड फाइनेंस क्या होता है, इसके फायदे नुकसान क्या है, और भी कई सारे टॉपिक है यहाँ पे। वारंट क्या होता है, वो सब, एफसीसी भी क्या है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, इन सब का डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। तो जो मैंने थोड़ा सा आपको ऊपर बताया था, तो वही चीज़ आपके इंट्रोडक्शन में लिखी है कि जो डेब्ट और इक्विटी है, उन दोनों को अगर आप मिला देते हैं, एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट बना देते हैं, तो वही आपका हाइब्रिड सिक्योरिटी हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें डेब्ट के भी फीचर्स होंगे और इक्विटी के भी फीचर्स होंगे। इक्विटी मतलब आप कंपनी के 1% जो है मालिक बन चुके हैं, कब, जब हमने 1% जो है कंपनी के शेयर खरीदे होंगे। डेब्ट में हमारा इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, जैसे अगर 10% बोला, तो कंपनी चाहे कितना भी अच्छा परफॉर्म करे या कितना भी खराब परफॉर्म करे, हमें सिर्फ 10% ही मिलेगा। तो अगर हम ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाए कि इन दोनों के फीचर्स एड ऑन हो जाए, मतलब हमें वहां पे आधा मालिकाना हक भी मिले प्लस आधा हमें एक इंटरेस्ट रेट फिक्स कर भी दिया जाए, तो वही हमारा हाइब्रिड सिक्योरिटी होगा। फॉर मेनी ईयर्स इंडियन कंपनीज हैव बीन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन हाइब्रिड सिक्योरिटीज मार्केट। तो बहुत टाइम से इंडिया की जो कंपनी है वो हाइब्रिड सिक्योरिटी मार्केट में काफ़ी पार्टिसिपेट कर रही थी। कैसे? बाई इशिंग प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स आपके कंपल्सरी या ऑप्शनली कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, फॉरन करेंसी जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, या इस तरह की और भी हाइब्रिड सिक्योरिटीज। ठीक, तो ये यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि अलग अलग टाइप के हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स हैं और बहुत सारी कंपनीज उस सब में इन्वेस्ट कर रही थी। फिर आप बता रखा है कि जो कंपनी है उसके लिए दो चीज़ें मेन है, एक तो इक्विटी हो सकता है कि इक्विटी के थ्रू पैसा रेस कर लिया, ठीक है, दूसरी तरफ डेप्ट हो सकता है। डेप्ट में क्या होगा कि आपको कोई मैनेजरल कंट्रोल नहीं दिया जाएगा। इक्विटी में तो आप 1% मालिक बन चुके हैं, तो आपको पूरा मैनेजरल कंट्रोल आपका रहेगा कंपनी में। आपको कोई भी वोटिंग होगी तो वोटिंग आपको वोटर के राइट भी दिए जाएंगे, आप वोट कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरी आपको कंट्रोल दी जाएगी, मैनेजरल अथॉरिटी दी जाएगी, इक्विटी के केस में ऐसा होता है। लेकिन अगर हम डेप्ट की बात करें, इट इज़ नॉट रिलेटेड विद मैनेजरल कंट्रोल। डेप्ट में आपका इंटरेस्ट रेट अगर 10% है, तो बस आपको 10% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, आपको कोई मैनेजर कंट्रोल या कुछ भी और चीजें नहीं दी जाएंगी। ठीक है, तो यही हमारा इक्विटी और डेब्ट रहता है। अगर हम इन दोनों को मिला दें, जो दो मेन फाइनेंस के सोर्स है वो आपका इक्विटी और डेब्ट है, अगर उन दोनों को हम मिला दें, तो वही हमारा हाइब्रिड रहेगा। ठीक है ना, इन द मिडल हाइब्रिड फॉर्म ऑफ फाइनेंस विच कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी। तो यही सेम लाइन बार बार रिपीट की है कि अगर इक्विटी और डेब्ट दोनों को मिला दिया जाए, तो वही आपका हाइब्रिड फाइनेंस हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे प्रेफरेंस शेयर्स, वारंट, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या इन वेंटिव हाइब्रिड्स। तो ये सारे कुछ टाइप के एग्जांपल्स हैं हाइब्रिड फाइनेंस के।
इन सब के बारे में हम लोग चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो अभी आपको ज्यादा पढ़ने का जरूरत है। वारंट के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन है, ऐसी प्रेफरेंस कैपिटल सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा बता रखा है कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है, तो ये एक टाइप के बॉन्ड है जो कि फॉरेन करेंसी में इशू किए जाते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट प्रिंसिपल सब आपको फॉरेन करेंसी में ही लेना होता है, तो पैसा भी आपको फॉरेन करेंसी में मिलेगा, आप जो इंटरेस्ट पे करोगे ना तो वो भी फॉरेन करेंसी में पे करोगे, तो वो होते हैं आपके फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। ऐसे वारंट होते हैं, तो वारंट मतलब क्या होता है, अगर आपने किसी कंपनी के वारंट ले लिए तो एक तरह से आपको राइट मिल जाता है कि आप इस रेट पे कंपनी के शेयर्स को खरीद पाओगे। ये सब अभी हम देखेंगे आने वाले टॉपिक में, इनको डिटेल में डिस्कशन है। ऐसे ईसीबी भी होता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ठीक है, तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग मतलब बाहर से आप बोरोइंग कर रहे हैं। ऐसे रुपी डेनोमिनेटेड बॉन्ड है कि आप बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं लेकिन वो इंडियन रुपीज में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के जो है इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। यहाँ पे एक टेबल दी है, डेटा दे रखा है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड जो कि हमारा हाइब्रिड फाइनेंस का एग्जाम्पल है, और आरडीबी यानी रुपी डेनोमिनेटेड बॉन्ड। तो इन तीनों में से कौन सा जो है सबसे ज्यादा परसेंटेज शेयर है, मतलब फाइनेंस जो किया गया उसमें सबसे ज्यादा किस चीज को इस्तेमाल किया गया। तो सबसे ज्यादा जो इंडियन कंपनी है उन्होंने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को यूज किया जो कि 95% है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के थ्रू 0.63%, और रुपी डेनोमेटेड जो बॉन्ड है उससे 4.3। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो हाइब्रिड फाइनेंस है इसका कितना स्कोप है, 1% से भी कम स्कोप है, बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ये डेटा आपका 1 जनवरी से सितंबर 2022 तक का जो है डेटा दिया गया, तो इसको देख के आपको आइडिया लगा कि जो हाइब्रिड फाइनेंस है एफसीसीबी उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। हाँ, ये एक अच्छा तरीका है बट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसका नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो बेसिक चीज़ यहाँ पे हो गई। इसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं हाइब्रिड फाइनेंस के, तो हाइब्रिड फाइनेंस हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ के फायदों की बात करते हैं। हाइब्रिड मतलब सिंपल, जैसे कोई मिक्सचर होता है ना मिलावट, ऐसा सिक्योरिटी जिसमें मिलावट रहे, जिसमें आधा शेयर्स के फीचर हो, इक्विटी शेयर्स के फीचर हो, आधा डेब्ट के फीचर्स है, तो उसी प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे आपका हाइब्रिड फाइनेंस। ठीक है, उसको बोलेंगे हाइब्रिड प्रोडक्ट। और वो जो हाइब्रिड आपका फाइनेंस है उसके अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे अपने यहाँ पे बताया फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, ये भी एक टाइप का हाइब्रिड फाइनेंस है। ठीक है, और फिर हमने देखा कि यहाँ पे वॉरेंट, वो भी एक टाइप का हाइब्रिड फाइनेंस है, प्रेफरेंस शेयर्स ये भी एक टाइप का हाइब्रिड है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ठीक है, ये सारा हाइब्रिड फाइनेंस हमारा हो जाएगा। इन सबका डिटेल डिस्कशन हमारे आने वाले टॉपिक में यही हम पढ़ने वाले हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, 2-4 पेज में उसको बताया, फिर वारंट क्या होते हैं। तो पूरा जो आपकी जो ये जो चैप्टर है उसमें से 30-40% इन्हीं सबके टाइप के हाइब्रिड फाइनेंस, उन्हीं का डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो पहले इसकी फायदे की बात करते हैं, नुकसान की बात करते हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या है, हाई यील्ड हाइब्रिड सिक्योरिटी जनरली ऑफर, तो इसका इंटरेस्ट रेट जो है डेप्ट जो नॉर्मल डेप्ट है ना उससे अच्छा इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे मिलता है। अगर डेप्ट अगर आप ले रहे हैं, मान लीजिए नॉर्मल डेप्ट आप ले रहे हैं, उसमें अगर 10% है तो उसमें आपको 12 से 15% मिल जाता है। लेस वोलेटाइल मार्केट, हाइब्रिड सिक्योरिटी शो लेस वोलेटिलिटी इन मार्केट एज देयर इज रेगुलर प्री डिटरमाइन, क्योंकि हाइब्रिड में क्या होता है कि आपका रिटर्न पहले से डिसाइड कर लिया जाता है। ठीक है, कि इतना रिटर्न आपको मिलेगा, तो पहले से आपका रिटर्न डिटरमाइन हो गया, तो इसलिए मार्केट से ज्यादा इसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, हाइब्रिड सिक्योरिटीज कैन डाइवर्सिफाई द रिस्क फॉर इश्योर एज दिस डोंट हैव एनी स्ट्रिक्ट डेफिनेशन ऑफ इधर इक्विटेबल सिक्योरिटीज। तो इसमें जो है रिस्क भी कम है, जो कंपनी हाइब्रिड ये जो इशू करती है ना हाइब्रिड फाइनेंस के प्रोडक्ट, तो उसको ज़्यादा रिस्क नहीं फेस करना पड़ता। क्यों? क्योंकि कोई स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं है इक्विटी की जैसे है, या डेब्ट की प्रॉपर स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है, इसका एज इट इज कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, तो इस वजह से जो है रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाता है। और इसमें आधा पैसा आप रिटर्न की इक्विटी के फॉर्म में दे रहे हैं, आधा डेब्ट के फॉर्म में, तो इक्विटी में पूरा रिस्क है, क्योंकि आप अगर किसी को शेयर दे रहे तो वो आपकी कंपनी का मालिक बन जाता है। डेप में आप एक परसेंटेज दे रहे हो तो उसमें मिलावट है, तो अगर हम इक्विटी के कंपैरिजन में देखें तो इसमें रिस्क कम है। ठीक है, तो वही इसके फायदे हैं। इसके कुछ नुकसान है, इसमें इसका असेसमेंट बहुत मुश्किल होता है, मतलब हाइब्रिड में एग्जैक्टली कितना रिटर्न मिल रहा है उसको कैलकुलेट करना उतना सिंपल नहीं है जैसे कि आप इक्विटी और बॉन्ड में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें इन्वेस्ट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, यही इसका डिसएडवांटेजेस हो गया, मतलब इसका कैलकुलेशन कि कितना रिटर्न मिल रहा है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटीज, कितने टाइप की होती है हाइब्रिड सिक्योरिटीज। हाइब्रिड सिक्योरिटीज कई टाइप की है, जैसे आपका हो गया प्रेफरेंस शेयर, वारंट, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या बॉन्ड, ऐसी एफसीसीबी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, और मेजेनिन फाइनेंस, ये आपका पांचों टाइप का हाइब्रिड सिक्योरिटीज है। इनका पूरा डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे, बट इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए आपका हाइब्रिड चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है हमारा हाइब्रिड फाइनेंस। हाइब्रिड फाइनेंस क्या होता है, तो ये मिलावट है, इसमें इक्विटी जो है उसके भी फीचर्स हैं, उसके इसमें डेप्ट के भी फीचर्स हैं, तो दोनों को मिला के जो प्रोडक्ट बनाया गया वही हमारा हाइब्रिड फाइनेंस। अब इक्विटी क्या होता है, डेप्ट क्या होता है। इक्विटी अगर कंपनी के आपके पास 1% शेयर है तो आप 1% कंपनी के मालिक बन गए, डेप्ट में ऐसा नहीं होता। अगर आपने कंपनी को डेप्ट दिया तो ये एक टाइप का लोन होता है,
ठीक है, आपको बॉन्ड की फॉर्म में, डिबेंचर्स की फॉर्म में इशू करके आपको डेब्ट दिया जाता है, ठीक है। तो आप जो है, आपने कंपनी को डेब्ट दिया, लोन दिया, कंपनी ने वादा किया कि आपको 10% देंगे या 12% देंगे। अब कंपनी चाहे डूबे या बहुत अच्छी पोजिशन में जाए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 10% बोला तो 10 ही मिलेगा, 12 बोला तो 12 मिलेगा। चाहे कंपनी खराब परफॉर्म करे, अच्छा परफॉर्म करे, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो होता है डेब्ट। इक्विटी में ऐसा नहीं है। इक्विटी में कंपनी बढ़ेगी तो आपके शेयर जो 1% है ना, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। कंपनी डाउन जाएगी तो 1% शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसीलिए इक्विटी वाले क्या होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं। पूरा मैनेजमेंट पे कंट्रोल होता है इक्विटी वालों का, बट डेब्ट वालों का किसी भी टाइप का मैनेजमेंट पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। एक और बात, इक्विटी जो है उनके पास पूरे राइट्स हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं, लेकिन ये जो डेब्ट वाले हैं इनकी कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते, ठीक है। ये कुछ भी वोट नहीं दे सकते और ये मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं, ठीक है। मतलब इनको पूरा कंट्रोल है, मैनेजमेंट इनका रहता है कंट्रोल में, बट इसमें कोई भी कंट्रोल ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही डिफरेंस है हमारा इक्विटी और डेब्ट में। तो हाइब्रिड इन दोनों को मिला के बनाया जाता है। फिर यहाँ पे वही चीज़ बार बार बोली है कि जो इंडियन कंपनी है, पहले यहाँ पे हाइब्रिड के बारे में बोला है कि ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसमें डेब्ट और इक्विटी दोनों के फीचर्स को कंबाइन करके बनाया जाएगा, ठीक है, एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट बना दिया जाएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड सिक्योरिटीज। बहुत सालों से इंडिया की जो कंपनी है वो पार्टिसिपेट कर रही है हाइब्रिड सिक्योरिटीज में। तो उसके कई एग्जाम्पल्स है, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, कन्वर्टेबल बॉन्ड हो गया, फॉरन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड हो गया। तो ये कुछ हाइब्रिड सिक्योरिटीज का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। फिर आगे इसमें नीचे बोला है, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज अ टाइप ऑफ कैपिटल दैट रिप्रेजेंट द इन्वेस्टमेंट बाय प्रमोटर्स एंड इन्वेस्टर्स हु विल ऑलवेज हैव ए। तो बोल रहा है कि इक्विटी शेयर का मतलब क्या है, ये वो पैसा है जो कि प्रमोटर लेके आता है या जो इन्वेस्टर जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया वो लेके आते हैं, ठीक है। तो इक्विटी शेयर वही हो गया हमारा कि शेयर्स हम इशू कर रहे हैं और हमारा उस पर मालिकाना हक है, पूरा मैनेजरियल कंट्रोल और अथॉरिटी हमारे पास रहती है। अगर आपने 1% इक्विटी शेयर लिए तो आपका 1% कंपनी पे कंट्रोल है, मैनेजरियल कंट्रोल, और आपकी 1% अथॉरिटी कंपनी में। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड डेप्ट क्या है, डेप्ट का कोई भी मैनेजरल कंट्रोल या किसी भी क्लेम से कोई रिलेटेड नहीं है। इसमें आपका फिक्स इंटरेस्ट रहता है, जैसे 10% बोला तो आपको 10% ही मिलेगा, चाहे कंपनी खराब हो या अच्छी हो। अब इन दोनों फाइनेंस के जो प्रोडक्ट है इनको मिला दिया जाता है और उससे हमारा हाइब्रिड फाइनेंस आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं इक्विटी और डेप्ट के बीच का जो प्रोडक्ट बन गया वही हमारा हाइब्रिड फाइनेंस। इसका एग्जाम्पल में आपका वारंट, प्रेफरेंस कैपिटल, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये सारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। FCCB फॉरन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड भी एक टाइप का आपका हाइब्रिड फाइनेंस रहता है। FCCB का मतलब क्या है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, ये एक टाइप का बॉन्ड है, इसको फॉरेन करेंसी में इशू किया जाएगा और यहाँ पे इंटरेस्ट भी आप पे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने 10% वादा किया तो आपको फॉरेन करेंसी में ही इंटरेस्ट पे करना रहेगा। ये बॉन्ड ज्यादातर इंडिया से बाहर इशू किया जाता है वहीं की करेंसीज में, और वो लोग हमें फॉरेन करेंसी देते हैं कंपनी को, बदले में कंपनी उनको इंटरेस्ट जो पे करती है ना वो फॉरेन करेंसी में ही पे करती है। और भी कई तरह के फाइनेंस के, जैसे ECB बाहर से आप बॉरोइंग कर रहे हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग, और ये फॉरेन करेंसी में भी हो सकती है, इंडियन रुपीज में भी हो सकती है। ऐसे रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, तो ये बॉन्ड इशू किए जाएंगे रुपी में, ये रहेंगे मतलब रुपी में पेमेंट करनी रहेगी। तो यहाँ पर टेबल से बता रखा है कि क्या कंडीशन है, ECB, FCB, सॉरी FCCB फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड जो कि हमारा हाइब्रिड फाइनेंस का प्रोडक्ट है, और रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, तो इसका मार्केट में कितना शेयर है। तो देख लीजिए ECB का 95% है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड का 0.63 है, और रुपी डॉलर बॉन्ड का 4 है। तो पूरा मार्केट में कंट्रोल जो है ECB का है ज्यादातर। जो हमारा हाइब्रिड फाइनेंस है ना उसका वैल्यू 1% से भी कम है, सिर्फ 0.63। इसके फायदे और नुकसान की बात करेंगे तो इसका फायदा कि इसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहता है। अगर हम सिर्फ डेब्ट का कंपैरिजन करें तो हाइब्रिड फाइनेंस में उससे अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है। ये जो मार्केट है ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है क्योंकि इसमें हमारा इंटरेस्ट पहले से डिसाइड हो जाता है, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। इसमें जो है ओवरऑल जो रिस्क है वो कम होता है क्योंकि एज इट इज कोई स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं दी गई है हाइब्रिड की। इसके कुछ नुकसान भी है, डिसएडवांटेजेस। इसका नुकसान ये है कि इसका कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, हम एक्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाते कि इतना इसमें रिटर्न मिलेगा। और रिस्क डाइवर्सिफिकेशन में ये भी बोला है कि अगर आप इक्विटी दे रहे हैं तो आप पूरा मालिक बना दे रहे हैं उसको ना, 1% शेयर देकर आपने 1% मालिक बना दिया, तो रिस्क उसमें ज्यादा है क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ से चला जाएगा, तो आपके लिए रिस्क ही है। बट अगर आप इक्विटी के साथ डेप्ट दे रहे हैं तो उतना रिस्क ये नहीं है, तो इस वजह से रिस्क को डाइवर्सिफाई भी करता है। हाइब्रिड फाइनेंस कितने टाइप का होता है, तो 5 तरीके का हाइब्रिड फाइनेंस की यहाँ पे बात की है। पहला है प्रेफरेंस, फिर वारंट, फिर कन्वर्टेबल बॉन्ड, फिर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, और लास्ट में आपका आएगा मेजनिन फाइनेंस। इसके ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया था, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, अभी आपका एग्जाम हुआ था ना जून 2023 में। तो ये क्या होता है इसके ऊपर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस चैप्टर में सबसे चार चार पांच क्वेश्चन पूछे गए थे इसी चैप्टर में से। ठीक है, कुछ नहीं करना, आप लोग जानते भी हैं, आप लोगों का जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है पूरा मैकमिलन बुक से ही आता है ना, तो बुक में जो जो टॉपिक है उनका वीडियोज देख लीजिए एक बार, बुक को गो थ्रू कर लीजिए,
वही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ चलिए एक अच्छी बात है कि आपके बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते ना, सिर्फ आपके मैटेरियल बुक से। कई बार कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो आपकी बुक में नहीं होते, न्यूमेरिकल्स बाहर से पूछते हैं, बट उसका बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, बहुत रेयर केस में होते हैं। तो अगर मैकमिलन की बुक आपने अच्छे से कर ली, उसके टॉपिक्स को आप समझ के अच्छे से चले गए, तो पास होने का चांस आपका होता है। तो कोई टेंशन वाली एज इट इज बात नहीं कि कहाँ से पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बुक से जो टॉपिक है वहीं से पूछा जाता है। चलिए इन सभी टाइप के जो हमारे हाइब्रिड फाइनेंस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला हमारा प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? प्रेफरेंस मतलब किसी को आप कुछ एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दे रहे हैं शेयर नॉर्मल शेयर से। तो नॉर्मल शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? एक हम बात करेंगे नॉर्मल शेयर की, प्रेफरेंस शेयर की। तो जो अगर आप ये प्रेफरेंस शेयर आप ऐसे समझ सकते हैं, मालिक सॉरी मेहमान, आपके घर में कई बार मेहमान आ जाते हैं ना, और इक्विटी शेयर को आप समझ सकते हैं आप जो अपने घर घर पे लोग, घर के जो लोग हैं, ठीक है। तो घर के लोगों के इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस मतलब मेहमान। तो जब आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप उनको ज़्यादा ट्रीट, ज़्यादा केयर करते हैं, उनकी ज़्यादा वैल्यू करते हैं ना, क्योंकि कुछ टाइम के लिए होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से आप कुछ प्रेफरेंस शेयर होता है जो नॉर्मल शेयर होल्डर होते हैं उनसे ज़्यादा इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। मान लीजिए कंपनी बंद होने जा रही है, ठीक है, अगर कोई कंपनी है वो बंद होने जा रही है, तो मान लीजिए बंद होके जो है उसके जो भी असर्स थे, जो भी चीज़ें थी, बेची गई और बेच के पैसा मिला 100 करोड़, ठीक है। वहां पे प्रेफरेंस शेयर्स वालों की वैल्यू थी 80 करोड़, मतलब 80 करोड़ पैसा उसमें से बकाया था प्रेफरेंस शेयर वालों का, और मान लीजिए 40 करोड़ बकाया था इक्विटी वालों का, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर वालों को कितना देना था कंपनी को? 80 करोड़, और इक्विटी वालों को देना था 40 करोड़। तो और कंपनी ने लिक्विडेट हो गई है, बंद हो गई है, तो उसमें जो है 100 करोड़ रुपए जो है टोटल कंपनी को मिले हैं सारा असेट्स बेच के लिक्विडेशन के बाद। तो इस 100 करोड़ में से पहले जो 80 करोड़ है वो चला जाएगा प्रेफरेंस शेयर वालों के पास, और कितना बचेगा? 20 करोड़। तो 20 करोड़ दिया जाएगा ये जो 40 करोड़ थे ना उसमें से, और बाकी ये जो इक्विटी वालों को 20 करोड़ का लॉस हो गया तो वो आपका लॉस है। क्यों? क्योंकि इक्विटी मतलब आप कंपनी के मालिक है, तो मालिक को फायदा होगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा और लॉस हो जाएगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, पर प्रेफरेंस वाले को इतना इशू नहीं होता है। तो प्रेफरेंस शेयर एक तरह का हमारा हाइब्रिड फाइनेंस है, ठीक है। तो ये जो प्रेफरेंस शेयर है इनको इक्विटी से ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। कहाँ पे, कहाँ पे प्रेफरेंस मिलती है? जब भी कंपनी क्लोज होने जाएगी, कभी भी डिविडेंड पे करना रहेगा, मान लीजिए कंपनी के पास पैसा कम है, वो डिविडेंड पे करने जा रही है, ठीक है। डिविडेंड क्या होता है? हर साल कंपनी को जो प्रॉफिट मिलता है ना, तो वो अपने शेयर होल्डर को कुछ डिविडेंड पे करती है, ठीक है। तो जो भी डिविडेंड पे करेगी तो प्रेफरेंस वालों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी एज कम्पेयर टू इक्विटी वालों से। कुछ एक्स्ट्रा पैसा बच गया, सरप्लस फंड बच गया, तो उसमें भी प्रेफरेंस वालों को पहले दिया जाएगा, बाद में इक्विटी वालों को मिलेगा। तो ये कुछ फायदे हैं जो कि प्रेफरेंस शेयर वालों को मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव ए हायर प्रायोरिटी क्लेम ऑन बोथ द कंपनी इनकम इनकम एंड असेट्स देन द इक्विटी। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनके कंपैरिजन में इनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। कंपनी की कोई इनकम या कोई असेट्स बिकती है, जैसे मैंने आपको बताया, तो वहां पे इनको पहले प्रेफरेंस मिलेगी। अ डिविडेंड इज गारंटेड टू प्रेफरेंस। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनका डिविडेंड गारंटेड है कि उनको मिलता ही है, एंड दिस डिविडेंड मस्ट बी पे आउट बिफोर एनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट। तो जो रेगुलर शेयर होल्डर है, जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर है, उनको डिविडेंड पे करेंगे उससे पहले आपको प्रेफरेंस को देना है। जैसे मैंने बताया ना मेहमान, तो आप लोग खाना बाद में खाते, पहले मेहमानों को खाना खिलाते हैं, तो प्रेफरेंस वाले बिल्कुल वैसे ही, उनको आपको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। उनको एक्स्ट्रा सुविधा आपको देनी है। तो मेहमान तो कुछ टाइम के लिए, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आपके घर के मालिक बन गए, तो मालिक तो आप ही है ना, तो वही इसमें होता है। एंड देयर मे बी क्यूमिलिटी और नॉन क्यूमिलिटी। तो प्रेफरेंस शेयर भी दो टाइप का होता है, एक होता है क्यूमिलिटी, एक होता है नॉन क्यूमिलिटी। जैसे आप लोग FD करते हैं ना, वहाँ पर इंटरेस्ट में ऑप्शन आते हैं क्यूमिलिटी नॉन क्यूमिलिटी। क्यूमिलिटी में क्या होता है कि जो भी आप डिविडेंड पे करोगे उसको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, जोड़ के फिर एक साथ दिया जाएगा। नॉन क्यूमिलिटी में क्या है कि पहले साल का डिविडेंड आपको पे कर दिया, दूसरे साल का आपको, तो उसमें जो डिविडेंड है वो जुड़ता नहीं है। तो यही डिफरेंस होता है क्यूमिलिटी और नॉन क्यूमिलिटी प्रेफरेंस शेयर में। तो यहाँ पे डिविडेंड के हिसाब से रहता है, डिविडेंड आप हर साल का डिविडेंड जोड़ दोगे फिर एक साथ पे करोगे तो बोला होता है क्यूमिलिटी प्रेफरेंस शेयर, और अगर हर साल का डिविडेंड हर साल पे करोगे वो होता है नॉन क्यूमिलिटी प्रेफरेंस शेयर। एक और बात, यहाँ पर जैसे हमने बोला कि डिविडेंड गारंटेड रहता है, ठीक है, अगर कंपनी को मान लीजिए किसी साल कुछ पैसा है ही नहीं, बचा ही नहीं, सरप्लस प्रॉफिट हुआ ही नहीं, जब प्रॉफिट हुआ नहीं तो डिविडेंड कहाँ से पे करेगी, है ना। डिविडेंड भी तो प्रॉफिट से ही पे किया जाता है। तो अगर कंपनी के पास पैसा बचा नहीं है डिविडेंड देने के लिए, तो उस केस में क्या रहता है, उस केस में उस साल वो कोई डिविडेंड नहीं पे करती, जब है ही नहीं तो कहाँ से करेगी ना, नो डिविडेंड। तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेफरेंस शेयर वाले दिमाग में रखेंगे कि पिछले साल जो है हमें डिविडेंड नहीं मिला तो इस साल पिछले साल का हम लोग जोड़ के लेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर किसी साल, चाहे आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो या इक्विटी, किसी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ और उसने डिविडेंड पे नहीं किया, तो आपको भूलना पड़ेगा। भूलना, क्या भूलना पड़ेगा कि उस साल हमें डिविडेंड नहीं मिला। ऐसा नहीं कि आप याद रखो अगले साल कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो आप कंपनी को, चाहे इक्विटी या प्रेफरेंस, कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कंपनी को कि पिछले साल आपने डिविडेंड नहीं किया
पिछले साल का डिविडेंड इस साल पे करो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर डिविडेंड नहीं मिला किसी साल प्रॉफिट ना होने की वजह से, तो कोई भी वो जो डिविडेंड है वो फॉरफिट हो जाता है, जब्त हो जाता है। मतलब आप दिमाग में ऐसे कैलकुलेशन मत रखिए कि हाँ ये डिविडेंड हमारा क्यूमुलेटिव हो जाएगा, अगले सालों में मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक और बात, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट टू क्रेडिटर, जैसे बैंक है, कंपनी ने बैंक से लोन लिया, तो बैंकों का लीगल क्लेम होता है ना कि बैंक अगर कंपनी बैंकों के पैसे नहीं पे करती, तो बैंक क्या कर सकते हैं, लीगली कोर्ट केस कर सकते हैं कंपनी के खिलाफ अपना पैसा लेने के लिए, ठीक है। लेकिन ये प्रेफरेंस शेयर वालों का कोई भी मतलब क्रेडिटर के जितना राइट नहीं है, ऐसा नहीं कि जैसे क्रेडिटर एक लीगल क्लेम फाइल कर सकते हैं, वैसे प्रेफरेंस शेयर वाले भी अपने डिविडेंड के लिए बैंक के खिलाफ जो है कोर्ट केस या लीगल क्लेम कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अगर कंपनी उनको नहीं पैसा दे रही, ठीक है, कंपनी जो है डिविडेंड नहीं पे कर पा रही प्रेफरेंस शेयर को, तो वो कहीं पे भी लीगल केस एक्शन कुछ भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये है, तो बैंक के लिए सॉरी कंपनीज के लिए एक अच्छी बात है। हाउएवर इन द इवेंट्स दैट कंपनी इज पुट इनटू लिक्विडेशन, अगर मान लीजिए कंपनी बंद होने जा रही है, विच इन्वॉल्व द सेल्स ऑफ ऑल द असेट्स, जिसमें क्या हो रहा है कंपनी के सारे असेट्स बिक जा रहे हैं, एंड यूज ऑफ प्रोसीड्स टू सेटल ऑल इट्स डेब्ट्स एंड पे ऑफ इट्स ओनर, तो उस केस में सारा कुछ बेच के जो भी उसके डेब्ट थे, जिन्होंने लोन लिया था कंपनी, जिसने लोन दिया था कंपनी को, और जो उसके ऑनर है, जो इक्विटी होल्डर्स हैं, तो इसमें जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है विल रिसीव एवरीथिंग दैट इज राइटफुली देयर्स बिफोर द इक्विटी। तो इसमें वही बोला है कि कंपनी बंद होने जा रही है, सारा कुछ बेच के जो पैसा मिला, तो पहले प्रेफरेंस शेयर वालों का हिसाब किताब चुकाया जाएगा, फिर अगर कुछ पैसा बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को तब दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक पर एक एग्जाम्पल भी बताया था ना, कि सारा कुछ बेच के मान लीजिए 100 करोड़ मिले, कंपनी के फर्नीचर बेच दिया, मशीन बेच दी, सब कुछ बेच दिया, ठीक है, 100 करोड़ मिला, डिविडेंड वालों का 80 करोड़ का हिसाब है, तो पहले इसको पे किया जाएगा, और इक्विटी वालों का 40 करोड़ है तो उसको बाद में दिया जाएगा, ठीक है। तो 100 करोड़ में से 80 करोड़ तो यहाँ चले जाएंगे, बचेगा 20 करोड़, तो सिर्फ 20 करोड़ ही इक्विटी वालों को मिलेगा, 20 करोड़ का जो लॉस हो गया ना इक्विटी शेयर, वो उनका लॉस है, उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला है कि कंपनी क्लोज होगी तो सारा कुछ जो पेमेंट है सबसे पहले प्रेफरेंस वालों को दिया जाएगा। और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है ना, जो कॉरपोरेट बॉन्ड को रेटिंग देती है, वैसे ही अगर कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेगी तो उसको भी अपनी रेटिंग लेनी पड़ेगी, CRI, SIL, ICRA, CRA, फैच, ये कुछ कंपनीज है जो कि रेटिंग देने का काम करती है। ये कौन सी क्रेडिट रेटिंग कंपनीज है जो कि कंपनीज की रेटिंग देती है, ठीक है। तो इतना यहाँ पे कंप्लीट इसमें हो गया। देखिए यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर की दो क्लासिफिकेशन है, जूनियर और सीनियर। जूनियर मतलब प्रेफरेंस शेयर में भी दो क्लासिफिकेशन है, जूनियर और सीनियर, ठीक है। तो जूनियर कौन से होते हैं, जूनियर क्लास, सीनियर क्लास। तो देखिए प्रेफरेंस शेयर को वैसे तो इक्विटी से ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है, पर प्रेफरेंस में भी दो क्लास है, सीनियर क्लास और जूनियर क्लास। तो नाम से लग रहा है सीनियर, तो सीनियर को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी एज कम्पेयर टू जूनियर क्लास। मान लीजिए कंपनी को पैसा बेच के सारा कुछ 100 करोड़ मिला है, ठीक है, उसमें सीनियर क्लास का 40 करोड़ है, जूनियर क्लास का 20 करोड़ है, तो इस 100 करोड़ में से पहले सीनियर क्लास का 40 करोड़ पे किया जाएगा, फिर कुछ पैसा बचेगा तो वो जूनियर क्लास को दिया जाएगा। तो ये जो प्रेफरेंस है उसमें भी आपस में जो है जूनियर क्लास सीनियर क्लास तरह से बनाया गया। फिर वही बोला, डिस्पाइट दिस ऑल प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव ए प्रायोरिटी ओवर इक्विटी, तो सीनियर क्लास ज्यादा सुपीरियर एज कम्पेयर टू जूनियर, तो इसको पहले प्रेफरेंस मिलेगी फिर जूनियर को, और जितने भी प्रेफरेंस शेयर है उनको तो इक्विटी से ज्यादा प्रेफरेंस मिलनी मिलनी है, यानी जूनियर क्लास की पेमेंट पहले की जाएगी और लास्ट में इक्विटी वालों की पेमेंट की जाएगी, वही चीज यहाँ पे बोला है। जो प्रेफरेंस शेयर है उसको आप विद मेच्योरिटी और विदाउट मेच्योरिटी किसी भी तरह से इश्यू कर सकते हैं, विद मेच्योरिटी मतलब 5 साल या 10 साल के लिए, विदाउट मेच्योरिटी मतलब जब तक कंपनी रहेगी तब तक ये चलते रहेंगे, इसको बोला जाता है परपेचुअल या इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। परपेचुअल मतलब अनंत काल तक, इसका मतलब ही होता है हिंदी में अनंत, तो ऐसे शेयर जो कि अनंत काल के लिए इशू किए गए हैं जिसका कोई मेच्योरिटी डेट नहीं है, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, विद मेच्योरिटी, विदाउट मेच्योरिटी। जो विदाउट मेच्योरिटी वाले हैं उनको बोलते हैं परपेचुअल या इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इनका कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होता। तो कंपनी एक्ट में क्या क्या प्रोविजन दिया गया है इसको लेके, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो देखिए कंपनी एक्ट में किसके बारे में बात की गई है, यहाँ पे बात करेंगे, तो जो सेक्शन 43 है कंपनी एक्ट का, ठीक है, तो उसमें बोला गया है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन केस ऑफ एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मींस दैट पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी विच कैरी और वुड कैरी प्रेफरेंस राइट विद रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे बता रखा है कि कोई भी कंपनी जो कि प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो उसके बारे में बताया गया है सेक्शन 43 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो इसमें बोला है कि पेमेंट ऑफ टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल डिविडेंड एज ए फिक्स अमाउंट और फिक्स रेट। तो जो कंपनी जो कि आपको प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है
तो वो जो डिविडेंड पे करेगी वो टैक्स फ्री भी हो सकता है और टैक्सेबल भी हो सकता है डिविडेंड, जैसा भी गवर्नमेंट का रूल्स है। सेकेंड, रिपेमेंट ऑफ पेड अप ऑफ डीम्ड पेड अप शेयर कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल विद और विदाउट फिक्स प्रीमियम और प्रीमियम और एनी स्केल स्पेसिफाइड इन मॉडल। तो बोला कि जब कंपनी मान लीजिए क्लोज होने जा रही है, उसको वाइंड अप हो रहा है, तो उसमें जो पेमेंट है पहले वो अपना इस जो प्रेफरेंस शेयर वाले उनको पहले पेमेंट करेगी। फिर अगला बोला है कैपिटल शैल बी डीम्ड टू बी प्रेफरेंस कैपिटल, और तो जो कंपनी है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी कैपिटल के मामले में। दो चीज यहाँ पे बोली है, राइट टू पार्टिसिपेंट डिवाइड डिविडेंड, तो जो कंपनी डिविडेंड पे कर रही है तो उसमें उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर कंपनी जो है कोई सरप्लस बच जाता है, मतलब सबका डिविडेंड पे कर रही है उसके बाद कुछ पैसा बच गया, तो कुछ कंपनीज जो प्रेफरेंस वाले हैं उनको उसमें भी प्रेफरेंस ज़्यादा देती है। तो ये यहाँ पे बताया गया प्रेफरेंस शेयर के बारे में। फिर यहाँ पे दो सेक्शन की बात की है, सेक्शन 47 और सेक्शन 55। तो कंपनी एक्ट के सेक्शन 47 में क्या बोला गया है डिविडेंड के डिविडेंड को लेके, तो इसमें बोला है कि व्हेन द डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैज नॉट बीन पेड, 2 साल हो गए और आप 2 साल से घाटे में, तो घाटे में तो पैसा बचा नहीं, तो आपने डिविडेंड नहीं पे किया, तो 2 साल से आपने डिविडेंड नहीं पे किया, सच क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल हैव ए राइट टू वोट फॉर ऑल रेजोल्यूशन। तो उस केस में क्या होगा कि प्रेफरेंस शेयर वालों को कंपनी का कोई भी रेजोल्यूशन होगा तो उसमें आप उसको वोटिंग राइट देंगे, हर तरीके का जो भी रेजोल्यूशन है। जनरली प्रेफरेंस शेयर सभी डिसीजन में वोटिंग नहीं कर सकते, किसी किसी में कर सकते, पर अगर 2 साल तक आपने उसको उसका डिविडेंड नहीं दिया तो उस केस में वो हर मामले में आपका इंटरफेयर करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है कि 2 साल तक मेहमान आपके घर में रहे तो आपके घर के सारे डिसीजन आपके घर के मेहमान भी लेंगे, इस तरीके का सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये बात 47 में बोलिए सेक्शन में, कि अगर आपने कंपनी का डिविडेंड नहीं पे किया, ठीक है, अगर आपने कंपनी का डिविडेंड नहीं पे किया 2 साल तक, अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड नहीं पे किया, 2 साल हो गए उससे ज्यादा, तो उस केस में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको वोटिंग राइट दे दिया जाएगा। तो ये सेक्शन 47 में बोला है। दूसरा सेक्शन 55, तो इसमें बात की गई है 55 में कि कोई भी कंपनी जो कि जो ये पे कर रही है आपका प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है, तो उसका जो रिडिप्शन किया जाएगा, तो मतलब कोई कंपनी अगर ई रिडीमेबल शेयर कौन सा होता है जिसका कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होता, तो वो प्रोहिबिट है, मतलब कंपनी इस तरीके का शेयर इशू नहीं कर सकते। और यहाँ पे इन्होंने लिमिट लगा दी है कि कोई भी कंपनी जो मैच्योरिटी डेट है 20 साल से ज़्यादा नहीं रख सकती, 20 साल से ज़्यादा मैच्योरिटी डेट नहीं रख सकती। ठीक है, एक और बात बोली कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की कोई कंपनी है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है, तो ये टाइम आपका 20 साल ज़्यादा हो सकता है। लेकिन उसमें भी क्या शर्त है, इसमें बोला है कि जो इस केस में कंपनी को हर साल जो है एनुअल बेसिस पे जो है डिविडेंड देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बोली गई है। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर हम डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले ये वाला हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा था, अभी यहाँ से शुरू करेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन से होते हैं, जो नॉर्मल शेयर होल्डर है उनसे ज्यादा इनको प्रेफरेंस मिलेगी, कभी भी डिविडेंड पे करना है, ठीक है, कभी पैसा बच गया एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है, तो सबसे पहले इनको पैसा दिया जाएगा नॉर्मल शेयर होल्डर से। ठीक है, कोई कंपनी है क्लोज होने जा रही है तो उस टाइम पे सारा कुछ बेच के जो पैसा मिलेगा, तो सबसे पहले प्रेफरेंस वालों को पेमेंट की जाएगी, कुछ बचेगा फिर इक्विटी वालों का नंबर तब आएगा। और एक और बात, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको आप क्रेडिटर के बराबर नहीं समझ सकते। क्रेडिटर मतलब जैसे बैंक, जिन्होंने कंपनी को लोन दिया, तो बैंकों का अगर लोन आप डिफॉल्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो बैंक क्या कर सकता है, लीगल एक्शन आपके खिलाफ ले सकते हैं, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास इतनी पावर तो नहीं होती है। अगर आप उनको डिविडेंड नहीं दे पा रहे किसी कारणवश, तो उस केस में वो कुछ भी नहीं कर सकते, उनको वेट करना पड़ेगा, जब आपका मन करेगा तो आप उनको डिविडेंड जो है डिक्लेयर करेंगे। जनरली कंपनी को प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड तो डिक्लेयर करती ही है। ठीक है, एक बात ये होगी। फिर जो कंपनीज डिविडेंड ये जो प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है, तो प्रॉपर उसको जैसे CRISIL, ICRA, फिच केयर, ये कंपनी से वहां से प्रॉपर रेटिंग लेनी होती है और तभी वो जो है डिविडेंड दे सकती है। जो प्रेफरेंस शेयर है इसमें भी दो क्लास है, जूनियर क्लास, सीनियर क्लास। सीनियर क्लास वालों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू जूनियर क्लास। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। और जो प्रेफरेंस शेयर है उनको तो ज्यादा प्रेफरेंस मिलती ही मिलती है, पर प्रेफरेंस शेयर में दो क्लास है, जूनियर क्लास, सीनियर क्लास। इसमें सीनियर क्लास वाले को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है एज कम्पेयर टू जूनियर क्लास। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर को कुछ मामलों में वोटिंग का राइट्स रहता है, और प्रेफरेंस शेयर भी आपके दो तरह से हो सकते हैं, विद और विदाउट मेच्योरिटी। विद में मतलब एक फिक्स मेच्योरिटी डेट है कि 5 साल के लिए आपको शेयर मिले, 10 साल के लिए, तो हो गया विद। विदाउट में कोई मेच्योरिटी डेट नहीं रहती, इसका नाम है परपेचुअल या ए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। मतलब परपेचुअल मतलब अनंत काल तक ये शेयर चलते रहेंगे, इसका कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होता। कंपनी एक्ट में इसके बारे में कुछ बात की गई है, तो सेक्शन 43 ऑफ कंपनी एक्ट में क्या बोला है कि कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है तो वो जो पेमेंट करेगी डिविडेंड का वो टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल किसी भी टाइप का हो सकता है। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे बोला है कि जो कंपनी का जो डिविडेंड रहता है, ठीक है, उसमें उसको प्रेफरेंस मिलती है। कोई कंपनी चाहे तो जो सरप्लस बच गया, जो एक्स्ट्रा पैसा बच गया प्रेफरेंस वालों को पेमेंट देने के बाद, इक्विटी वालों को देने के बाद, तो कुछ पैसा बच गया, सरप्लस बच गया, तो उसमें भी डिविडेंड ये जो प्रेफरेंस वाले हैं इनका हक पहले होता है। फिर यहाँ पे दो सेक्शन की बात की है, सेक्शन 47, सेक्शन 55। 47 में बोला है कि जो कंपनीज है उन्होंने 2 साल तक अपने प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड नहीं दिया,
उसका कारण क्या था? कारण कंपनी का कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं दे पाए, तो उस केस में प्रेफरेंस शेयर वाले आपके हर मामले में इंटरफेयर करेंगे, मतलब जितना भी रेजोल्यूशन है उनको वोटिंग राइट्स मिल जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए जरूरी है कि आप उनको, अगर आप उनको अपने मामले से दूर रखना चाहते हैं तो आप उनको डिविडेंड दीजिए। तो ये भी यहाँ पर रूल बना दिया कि 2 साल से ज्यादा आपने डिविडेंड नहीं दिया, तो ऐसे तो कोई कंपनी क्या कर सकती है? तो ये तो नाइंसाफी हो जाते हैं ना प्रेफरेंस वालों के साथ, कि आप उनको डिविडेंड भी नहीं दे रहे, ऊपर से वो कहीं पे भी आपको, आपके खिलाफ कहीं भी लीगल एक्शन भी नहीं ले पा रहे, तो कंपनी जानबूझकर उनको ऐसे लटका के रखती है कि हम क्यों दे डिविडेंड, मतलब वो तो कंपनी की मर्जी है। तो इस तरह से कंपनी उनको लटका के रखती है प्रेफरेंस वालों को, तो उससे बचने का तरीका यही है। कंपनी एक्ट में साफ साफ बोला 47 में कि अगर आप डिविडेंड नहीं दोगे, 2 साल का टाइम हो गया और उससे ज्यादा टाइम हो गया आपने नहीं दिया, तो आपको हर मैटर में इनको वोटिंग का राइट देना पड़ेगा। आपके हर मैटर पे जो है प्रेफरेंस शेयर वालों का पूरा हक रहेगा, वो वोटिंग राइट्स उनको पूरा आपको देना पड़ेगा। फिर ऐसे सेक्शन 55 में बोला है कि आपकी जो कंपनी है उसको प्रोहिबिट किया गया है कि वो इरिडीमेबल, मतलब अनंत काल के लिए जो मेजोरिटी डेट वाले प्रेफरेंस शेयर है ना, तो उसके लिए मना किया कि कंपनी इस तरह के शेयर्स इशू नहीं कर सकती। कौन सी कंपनी? जो लिमिटेड बाय शेयर है ना, तो वो कंपनी इरिडीमेबल जो शेयर होते हैं, जो कि परपेचुअल होते हैं, परपेचुअल शेयर जो कि अनंत काल के लिए होते हैं, या ये बोलिए जिनका कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होता, तो उस तरह के शेयर को इशू करने के लिए मना किया है। और यहाँ पे एक लिमिट भी लगा दी कि कंपनी मैक्सिमम जो मैच्योरिटी डेट होगा 20 साल होगा, उससे ज्यादा लेट आपको मैच्योरिटी नहीं रखनी, ठीक है? तो 20 साल में आपको प्रेफरेंस शेयर का हिसाब पूरा बराबर कर देना है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ना, वहाँ पे आप 20 साल से ज्यादा टाइम के लिए भी दे सकते हैं, क्योंकि ये 40 साल 60 साल लंबे प्रोजेक्ट होते हैं ना, तो आप इतना शॉर्ट टाइम देना सही नहीं रहेगा। एक और बात, अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए आपने पैसा लिया है प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू, तो उस केस में आपको सालाना बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे क्या करना पड़ेगा? डिविडेंड आपको देना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई। अब टॉपिक आता है प्रेफरेंस शेयर्स कितने टाइप का होता है, तो यहाँ पे 4-5 टाइप जो है हमें बता रखे हैं, पाँच नहीं देखा जाए तो आपके 9 टाइप यहाँ पे बता रखे हैं, ठीक है? तो इसको हम लोग कर लेते हैं, फिर बाद में जो टॉपिक्स है उसको हम लोग पार्ट 2 से देखेंगे। देखिए पहला है हमारा, एक एक लाइन में आप समझते जाइए, एग्जाम में पूछा जाएगा तो एक नंबर, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, तो हर टाइप को आप एक नंबर में समझिए। तो पहला आता हमारा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव मतलब जुड़ता रहेगा, जैसे इसमें क्या है, पहले साल मान लीजिए आपको 100 रुपये का डिविडेंड मिला, दूसरे साल 100 का, तीसरे साल 100 का, चौथे साल 100 का और पांचवें साल 100 का, तो 5 ही साल का मेच्योरिटी था इसका, इस प्रेफरेंस शेयर का, तो 5 साल में आपका डिविडेंड जुड़ता गया और लास्ट में आपको सीधे 500 रुपये एक बार में डिविडेंड मिल गया, तो वो होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जुड़ते जाना, तो जो भी आपका डिविडेंड है वो जुड़ता जाएगा और लास्ट में एक ही बार में दिया जाएगा, वो है क्यूमुलेटिव। अब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इज द वन दैट होल्ड द राइट टू डिफरेंट सम ऑफ डिविडेंड और डिविडेंड एट ए प्रेस, तो इसमें पहले से मालूम होता है कि कितना डिविडेंड पे करना है, ठीक है? तो प्रेफरेंस शेयर में मालूम होता है कि इतना हम डिविडेंड आपको पे करेंगे, तो पहले से जो डिविडेंड था वो डिसाइड था और ये जो डिविडेंड है ये जुड़ता जाएगा, ये जुड़ता जाएगा और फिर फाइनली आपको इसमें अमाउंट मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए लिखा है द नेम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट डिविडेंड ऑन दिस शेयर, तो ये जो शेयर होता है उसमें जो डिविडेंड होता है विल कंटिन्यू टू अक्यूमुलेट अनलेस दे आर कंप्लीटली पे, तो डिविडेंड जुड़ता जाएगा जब तक कि आप पूरी पेमेंट नहीं कर देते, ठीक है? तो वही इसमें लिखा है। सेकेंड आता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, तो यहाँ पे क्या है, हर साल का हिसाब बराबर देते जाना, पहले साल 100 रुपये डिविडेंड बना तो देख लिया, ठीक है? दूसरे साल 100 रुपये का डिविडेंड पे कर दिया, तो इसमें कुछ जुड़ नहीं रहा, तो उसी को बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ठीक है? अ नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ग्रांट द होल्डर द राइट टू रिसीव अ डिविडेंड पेमेंट दैट इज प्रीडिटरमाइंड, तो ये वही है कि पहले से जो है इसमें डिसाइड कर लिया जाता है, हर कंपनी जो भी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है वो पहले से बता देती है कि इतना आपको डिविडेंड दिया जाएगा, तो इसमें भी एडवांस में डिविडेंड रहता है। इफ फॉर सम रीजन अ डिविडेंड इज नॉट पेड थ्रू द कोर्स ऑफ गिवन ईयर, मान लीजिए किसी साल किसी कारण की वजह से आपने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, डिविडेंड नहीं दिया, द राइट टू रिसीव द डिविडेंड फॉर दैट ईयर विल फॉरफिट, तो उस साल आपको डिविडेंड नहीं मिला तो आपको भूलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगले साल आप बोल रहे हैं कि पिछले साल का डिविडेंड दीजिए, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? तो जिस साल डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर पाई कंपनी किसी भी कारणवश, तो उस साल का डिविडेंड फॉरफिट हो जाता है, और जिस साल डिविडेंड मिलता है उस साल का आपको उसी टाइम मिल जाता है, वो जुड़ता नहीं है, वो ये नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तीसरा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो है ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सरप्लस प्रॉफिट आफ्टर इक्विटी शेयर होल्डर। मान लीजिए कंपनी को प्रॉफिट हुआ, ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट में से पहले क्या किया, प्रेफरेंस वालों को पैसा दे दिया, उनको डिविडेंड पे कर दिया, फिर इक्विटी वालों को पे कर दिया, ठीक है, ये हो गया। फिर भी कुछ प्रॉफिट बच गया जिसको हम बोलते हैं सरप्लस प्रॉफिट, मतलब अभी भी हमारे पास कुछ प्रॉफिट बचा है, तो ये जो पार्टिसिपेट वाले होते हैं तो इस सरप्लस प्रॉफिट में इनका हक हो जाता है, तो उसी का नाम है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। तो ये किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बच गया उसमें ये पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, इसीलिए इनका नाम है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। इन एडिशन टू राइट टू फिक्स डिविडेंड, तो फिक्स डिविडेंड जो पहले से डिसाइड हुआ वो तो उनको मिलेगा, दिस शेयर गिव्स होल्डर द राइट टू पार्टिसिपेट इन एनी सरप्लस प्रॉफिट दैट रिमेन आफ्टर इक्विटी शेयर होल्डर हैव बीन पेड डिविडेंड, तो इक्विटी शेयर होल्डर को आपने डिविडेंड पे किया उसके बावजूद भी कुछ पैसा बच गया, कुछ प्रॉफिट बच गया, तो उसमें भी इसका हक रहता है पार्टिसिपेटिंग वालों का, ठीक है? तो वही इसमें बोला गया।
नेक्स्ट आता है नॉन पार्टिसिपेटिंग। नॉन पार्टिसिपेट का मतलब क्या है कि इसमें क्या होगा कि डिविडेंड आप इनको पे कर दोगे, ठीक है। तो डिविडेंड पे करने के बाद भी कुछ पैसा बच जाएगा, क्योंकि जो डिविडेंड है वो पहले से डिसाइड होता है ना, प्री डिटरमाइंड रेट, इतना आपको डिविडेंड मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, जितना डिविडेंड आपको हर साल मिल रहा था वो मिल जाएगा, लेकिन कुछ पैसा बच जाएगा, कुछ प्रॉफिट बच जाएगा, ठीक है, सरप्लस प्रॉफिट, उसमें आपका कोई भी हक नहीं है, ठीक है। तो उसमें आप कुछ भी हक नहीं क्लेम कर सकते, वो है नॉन पार्टिसिपेट। तो आप कंपनी के एक्स्ट्रा प्रॉफिट में जो पैसा बच गया उसमें किसी भी टाइप का क्लेम नहीं कर सकते, वो होगा नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट आता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीम मतलब कंपनी क्या करेगी कि उसका एक फिक्स डेट है, उस फिक्स डेट पे, ठीक है, उसको रिडीम कर देगी, यानी उसकी पेमेंट देके आपके पास शेयर है, आप कंपनी को शेयर दीजिए, कंपनी आपका पैसा देके आपको वापस कर देगी, अपना शेयर वापस खरीद लेगी, उसको बोलते हैं रिडीम, ठीक है। नॉन रिडीमेबल में क्या है, मतलब इसका एक मैच्योरिटी डेट रहता है, ठीक है। रिडीमेबल का क्या है, मैच्योरिटी डेट है, मान लीजिए 5 साल का मैच्योरिटी डेट है, तो 5 साल के बाद कंपनी अपना शेयर ले लेगी और आपको पैसे दे देगी, वो होता है रिडीमेबल। ऐसे ही नॉन रिडीमेबल, इसका दूसरा नाम है परपेचुअल। परपेचुअल मतलब अनंत काल के लिए, इसका कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी रिडिप्शन का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैच्योरिटी डेट नहीं होती। ये जो नॉन रिडीमेबल या इरिडीमेबल वाले जो शेयर होते हैं ना, जब कंपनी बंद होने जाएगी, क्लोज हो जाएगी, शट डाउन होगी, तभी आपको आपका पैसा मिलेगा, आपका शेयर खरीदा जाएगा, अदरवाइज नहीं खरीदा जाएगा। इंडिया में नॉन रेडिबल जो प्रेफरेंस शेयर है उसको लेके जो है रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब कंपनी जनरली ये वाला जो शेयर है इशू नहीं कर सकती। अगला है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। आप जानते हैं कि जो शेयर है उसको आप बाद में, ये जो प्रेफरेंस शेयर है उसको आप बाद में इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर मतलब जिसको आप मैच्योरिटी डेट में या एक टाइम रहेगा उस टाइम के बाद इसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर पाएंगे, मतलब आप अपने रियल मालिक बन सकते हैं कंपनी के। क्योंकि प्रेफरेंस वालों को तो हक एक फिक्स है, प्रेफरेंस वालों को एक फिक्स हक है कि आपको इतना डिविडेंड मिलेगा, इतना मिलेगा, लेकिन इक्विटी वाला तो मेन मालिक है। तो इस ये जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, तो जो होल्डर होते हैं इन शेयर होल्डर के, तो उनको राइट दिया जाता है कि वो इन शेयर को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इक्विटी शेयर एट देयर डिस्कशन इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स एंड सर्कमस्टांसेस। तो जब आपको शेयर्स इशू किए थे तो उस टाइम पे क्या टर्म्स थी, क्या सर्कमस्टांसेस आपको बोले थे, तो उस तरह से सर्कमस्टांसेस बनती है, तो उस केस में आप अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है कन्वर्टेबल। ऐसे एक होता है नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल मतलब इसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अ नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इज वन इन विच ऑनर ऑफ प्रेफरेंस शेयर डज नॉट हैव राइट टू हैव इट्स होल्डिंग कन्वर्टेड। तो जो भी उसके पास शेयर है उसको वो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो उसी को बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। लास्ट में आता है आपका एडजस्टेबल रेट प्रेफरेंस शेयर। एडजस्टेबल रेट यानी कि फ्लोटिंग रेट, जिसका इंटरेस्ट रेट कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। जनरली प्रेफरेंस शेयर एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पे होते हैं, बट कुछ ऐसे शेयर होते हैं जो कि फिक्स वाले नहीं है। देखिए, एडजस्टेबल रेट प्रेफरेंस शेयर्स डोंट क्वालिफाई फॉर ए फिक्स डिविडेंड। तो जनरली जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उसमें डिविडेंड फिक्स होता है कि 10% या 20% डिविडेंड मिलेगा, लेकिन एडजस्टेबल में क्या होगा, द डिविडेंड पे आउट डिपेंड ऑन इंटरेस्ट रेट। तो मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट है, जिसे किसी बेंचमार्क से जोड़ दिया इस तरह से, मार्केट का क्या इंटरेस्ट रेट है उस हिसाब से डिसाइड होगा कि कितना आपको डिविडेंड पे करना, वो होंगे एडजस्टेबल रेट प्रेफरेंस शेयर। इसके साथ पार्ट वन को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। पार्ट टू से हम लोग स्टार्ट करेंगे पर्पस ऑफ इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स, किस पर्पस के लिए जो है प्रेफरेंस शेयर को इशू किया जाता है, ठीक है। कि जो हमने टाइप्स पढ़े ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो पूछ सकते हैं, इसमें एक नंबर का ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इस इन टाइप्स में से। चलिए देखते हैं टाइप्स के कौन कौन से हैं। पहला आता है हमारा क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है कि जो भी डिविडेंड है हर साल जुड़ जाएगा, जब टोटल फाइनल पेमेंट करनी है, मैच्योरिटी डेट आएगी, तो उस टाइम पे जितने भी साल, जैसे मान लीजिए 5 साल के लिए आपने शेयर इशू किया था, तो 5ों साल का डिविडेंड जोड़ के एक साथ दिया जाता है, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। इसमें डिविडेंड जुड़ता रहता है और लास्ट में जब टाइम आ जाएगा मैच्योरिटी का, तो उस टाइम पर सारा एक ही बार में पे किया जाता है, वो है क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसा नहीं होता। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या कि पहले साल डिविडेंड बना पे कर दिया, दूसरे साल बना पे कर दिया, किसी साल नहीं भी बना, ऐसा नहीं कि कंपनी हर साल डिविडेंड देती, किसी साल वो घाटे में तो कहां से देगी डिविडेंड, डिविडेंड आपके प्रॉफिट में से दिया जाता है, ठीक है। तो घाटे में तो नहीं दे सकती, तो उस केस में आपको भूलना पड़ेगा, वो जो डिविडेंड है वो फोरफिट हो जाता है, जब्त हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए अगले साल बहुत ज्यादा प्रॉफिट में, तो क्या ये शेयर होल्डर बोल सकते हैं कि पिछले साल का डिविडेंड, तो नहीं, वो ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं होता है। तीसरा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ये कौन से प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, प्रॉफिट में से उनको डिविडेंड मिल गया, ठीक है, डिविडेंड मिल गया, फिर उसके बाद इक्विटी को पे किया गया डिविडेंड, उसके बाद भी कुछ पैसा बच जाता है, तो वो उसको बोलते हैं सरप्लस प्रॉफिट। तो ये जो पार्टिसिपेट प्रेफरेंस शेयर होते हैं, जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसमें भी ये अपनी हिस्सेदारी दिखा सकते हैं, ठीक है, उनमें भी इनको हक होता है कि उसमें इनको पैसा मिलेगा सरप्लस प्रॉफिट में से, तो वही है पार्टिसिपेट प्रेफरेंस शेयर। नॉन पार्टिसिपेट में क्या होगा कि इनका जो डिविडेंड है, इनका शेयर है, वो मिल जाएगा, उसके बाद पैसा बचे ना बचे, उस किसी भी टाइप का सरप्लस कैश प्रॉफिट में इनका कोई भी हक नहीं होता। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, इसमें बोला है कि
ये जो प्रेफरेंस शेयर है इसकी एक फिक्स मैच्योरिटी डेट है, जैसे ही मैच्योरिटी डेट कंप्लीट हो जाएगी तो पेमेंट वापस कर दी जाती है, वो है रिडीमेबल। ऐसे नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, तो इसमें क्या होता है कि इनको आप क्या कर सकते हैं, रिडीम नहीं कर सकते, ठीक है, इनको आप रिडीम नहीं कर सकते, यानी ये अनंत काल के लिए चलते रहेंगे। जब कंपनी लिक्विडेशन मतलब शट डाउन करना पड़ेगा ना कंपनी, तभी इस वाले शेयर को जो है पेमेंट मिलेगी, वो है हमारे नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ऐसे हमारा होता है कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। इसमें क्या होता है कि जो प्रेफरेंस शेयर है उसको आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है, तो वो होता है कन्वर्टेबल। इसके टर्म्स कंडीशन सब पहले से डिसाइड हो जाती है कि इस कंडीशन में ऐसे पे अगर ऐसा सर्कमस्टांस रहेगा तो शेयर को कन्वर्ट कर दिया जाएगा। नॉन कन्वर्टेबल में क्या होगा कि इस प्रेफरेंस शेयर को आप इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लास्ट में आपका एडजस्टेबल रेट प्रेफरेंस शेयर, ये कौन सा होता है, इसमें आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं रहता, मतलब जो आपको डिविडेंड मिल रही है वो फिक्स नहीं होता, मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से आपका डिविडेंड डिसाइड किया जाएगा, वो है आपका एडजस्टेबल रेट, यानी रेट को एडजस्ट किया जा रहा है, फिक्स नहीं रखा जा रहा, ठीक है, तो इसको आप फ्लोटिंग रेट भी बोल सकते हैं। इसके साथ आपका पार्ट वन हो गया आपका कंप्लीट, पार्ट टू में आगे आने वाले टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।